Hey guys, कभी कभी हम एक गलती करते हैं फोटोशूट करने टाइम, जो हमारा फ्रेम होता है वो रखते हैं 2:3। हम चेंज कर सकते हैं लेकिन कुछ अलसी की वजह से, छेड़खानी करने की वजह से ऐसा नहीं करते, लेकिन हम 2:3 पर फोटो क्लिक करते हैं, लेकिन वो जो फोटो होता है, वो जो फ्रेम फोटो होता है, इस टाइप की होता है। और इसी फोटो को अगर आप FB मतलब फेसबुक पर पोस्ट करो तो ठीक ठाक है, लेकिन आप उसी फोटो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करो तो आपका फोटो ऑटोमेटिक क्रॉप हो जाता है, क्योंकि जो आपका फोटो का मजा है ना, वो साइट ही आपका क्रॉप हो जाएगा, तो फोटो दिखने में एकदम गंदी लगती है। इसमें एक घरेलू नुस्खा है जो हर कोई यूज करता है, मैं देखता हूँ, 2 साइट व्हाइट रखकर बीच में फोटो रख देता है, जो एकदम गंदी लगती है। आप एकदम बिल्कुल भी यूज मत करना, क्योंकि उसमें क्लैरिटी भी खराब हो जाता है। तो आज इस वीडियो में आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा, आप 2:3 फोटो को आप 4:5 किस तरह से कर सकते हो, उसी फोटो को आप क्लैरिटी किस तरह से ठीक कर सकते हो, ये ट्रिक कौन सी फोटो पर अप्लाई नहीं होगा, ये 3 पॉइंट आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इस आप लोगों के लिए एक ऐसी गेम लेके आया हूँ जो मोस्ट पॉपुलर गेम है, जिसका नाम है टेक्सेल। आप इसको खेलकर पैसा कमा सकते हो, 1 गुना नहीं 2 गुना नहीं पूरा 9 गुना, जिसको आप 10 रुपया अगर लगाते हो तो आपको पूरा 100 रुपया आपको मिलेगा। अगर आपका माइंड तेज है तो आप एक गेम खेल सकते हो। इसको सिंपली आप फेसबुक से लॉगिन कर सकते हो और इसका जो लिंक है आपको नीचे मिल जाएगा, तो उधर से आप डाउनलोड करो और पैसा कमाओ। तो नंबर 1, 2:5 को 4:5 करेंगे, तो मेरा जो ये फोटो है ये आप देख सकते हो, ये इंस्टाग्राम पर पोस्ट करो तो इतना क्रॉप हो जाता है, देख सकते हो ऊपर के साइड क्रॉप होता है, अगर ऊपर के साइड रखो तो नीचे के साइड क्रॉप हो जाता है। तो इसी फोटो को क्या करेंगे, स्नैपशॉट पर लेंगे, मतलब अगर आप स्नैपशॉट पर फोटो शेयर करते हो तो आपका क्लैरिटी थोड़ा ख़राब होगा, लेकिन आप स्नैपशॉट पहले ओपन करो उसके बाद अपनी फ़ोटो ऐड करो। तो इस फोटो की राइट साइड देखोगे तो एक ट्रैक है, जो आप बैकग्राउंड इंक्रीज करते हो तो ट्रैक कॉपी होगा, जिस वजह से पता चल जाएगा। लेकिन आप लेफ्ट साइड देखोगे तो लेफ्ट साइड कुछ पेड़ है, बस बैकग्राउंड है, जो हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम उसी को इंक्रीज करते हैं तो पता नहीं चलेगा। तो इसको करना क्या है, आपको पेंसिल पर क्लिक करना है, करने के बाद एक्सप्लेन पर क्लिक करना है, करने के बाद जो आप बैकग्राउंड देख सकते हो, इसको आप करना क्या है, एकदम थोड़ा थोड़ा करके आपको करना है, एक बार से नहीं करना। तो आपको देख सकते हो मैं इस तरह से थोड़ा ही करूँगा, थोड़ा करने पर देख सकते हो पता नहीं चला तो फिर से डन कर दूँगा। तो इसी को रिपीट करेंगे बार बार, फिर से एक्सप्लेन और फिर से थोड़ा ही करूँगा इस तरह से, फिर भी पता नहीं चला, फिर से थोड़ा करेंगे इस तरह से। अभी देख सकते हो मेरा फ्रेम हो चुका है, थोड़ा क्लैरिटी खराब हो गया है, तो डिटेल पर जाना है, डिटेल पर जाने के बाद इधर शार्पिंग को थोड़ा आपको हाई कर देना है, 25 या आप 33 कर सकते हो। करने के बाद आप देख सकते हो बिफोर, पहले मेरा इंस्टाग्राम पर इस टाइप का था, और अभी करने के बाद मेरा इंस्टाग्राम पर फुल हो रहा है, अभी थोड़ा पार्ट भी क्रॉप नहीं हो रहा है, पैर भी नहीं हो रहा है, और ऊपर हेयर स्टाइल या फेस कुछ भी क्रॉप नहीं हो रहा है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। नंबर 2 जो होता है क्लैरिटी, अगर आप बैकग्राउंड को ज़्यादा इंक्रीज करते हो, मतलब बहुत ज़्यादा करते हो, तो आपका क्लैरिटी ऑब्वियसली बहुत ख़राब हो जाएगा। अगर क्लैरिटी बहुत ख़राब हो गया तो उसमें और एक ट्रिक है, आप क्या कर सकते हो, आपको करना क्या है, पेंसिल पर क्लिक करना है, पेंसिल पर क्लिक करने के बाद अब डबल एक्सपोजर पर जाना है, डबल एक्सपोजर पर जाने के बाद आपका उसी फोटो जो आपका बैकग्राउंड 2:3 है, उसी फोटो को आपको ऐड कर लेना है, क्योंकि वो फोटो तो आपका क्लैरिटी ठीक है, लेकिन आप जिस फोटो को इंक्रीज किए हो, बैकग्राउंड इंक्रीज किए हो, उसका है क्लैरिटी ख़राब हो गया, तो 2:3 फ्रेम को, फ्रेम वाला फ़ोटो को आपको ऐड करना है फिर से। तो इस तरह से ऐड कर लेना है, ऐड करने के बाद आप देख सकते हो इस तरह से ऐड करके ऊपर के साइड और नीचे के साइड आपको इस तरह से मैच कर देना है, मैच करने के बाद इधर जो ड्रॉ है इसको 100 कर देना है, 100 करने के बाद आपको दिखाई देगा अपने बैकग्राउंड इंक्रीज़ कितना किया है, तो आप देख सकते हो जो ब्लैक है उतना मैंने इंक्रीज़ किया, ऊपर जो आपको ड्रॉ दिखेगा ड्रॉ पर क्लिक करना है, और व्यू एडिट्स एंड डबल एक्सपोजर एंड ब्रश, ब्रश पर करने के बाद आपको इधर 100 करना है, और अपने फ़ोटो को इस तरह से निकल के बाहर लेना है, और इसको माइनस करके अपनी बैकग्राउंड को सेम इसी तरह से कर सकते हो, इस तरह से आप ठीक तरह से कर लेना, और आइस पर क्लिक करके इधर आप अच्छी तरह से ब्रश कर लेना इस तरह से। तो आप देख सकते हो फोटो क्लैरिटी सेम होगा, और फिर से आप डिटेल पर जाकर शार्पिंग को थोड़ा हाई कर देना, जिससे और भी क्लैरिटी ज़्यादा होगा इस तरह से, इस तरह से। तो फोटो देख सकते हो क्लैरिटी भी सही है। तो अभी बात करता हूँ कौन सी फोटो पर ये ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो आप फोटो देख सकते हो, इसमें मैंने एक बुलेट पर बैठकर पोज किया, लेकिन जो बुलेट है वो बैकग्राउंड से एकदम कनेक्ट है, जिस वजह से इस फोटो को बैकग्राउंड इंक्रीज कर नहीं सकते। अगर आप इस फोटो को धीरे धीरे भी बैकग्राउंड इंक्रीज करोगे तो आपका जो बुलेट है
वो कॉपी होके साइट पे जाएगा जिस वजह से पता चल जाएगा। तो इसीलिए आप ऐसी जगह पर बैठे हो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मेरे लिए वो बुलेट इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुछ कार पर बैठकर पॉज किया इस तरह से जिसमें आपका बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है, तो वो भी आप बैकग्राउंड इंक्रीज करोगे तो पता चल जाएगा। लेकिन आप ऐसी जगह पर पॉज किया जिस जगह थोड़ा ही बैकग्राउंड बाकी है, जिस तरह से ये फोटो मैंने किया, एक साइड थोड़ा बैकग्राउंड बाकी है, लेकिन आप उसी साइड को इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन आप ट्रैक साइड करते हो तो ट्रैक कॉपी होगा जिससे पता चल जाएगा, तो आप उस फोटो को कर नहीं सकते, तो ये बात आप ध्यान रखना। लेकिन आप कुछ ऐसी फोटो को कर सकते हो जिस पर जो आपका बैकग्राउंड बाद जिस जगह पर आपने बैठकर फोटोशूट किया वो आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इंक्रीज करते हो तो पता नहीं चलेगा। जिस तरह से ये फोटो भी मैंने इंक्रीज किया जो आप देख सकते हो, इस तरह से मैंने बहुत फोटो इंक्रीज किया, बैकग्राउंड इंक्रीज किया जो आपको थोड़ी भी पता नहीं चलेगा। आपको दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पर ये फोटो मैंने पोस्ट किया। अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रखे हो तो आपको पता होगा, और इंस्टाग्राम पर जाकर आप एक बार चेक भी कर लेना। ये फोटो भी किया मैंने, और ये फोटो भी किया, ये सब मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, और ये फोटो भी किया, आप देख सकते हो ये सब मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और ये फोटो भी किया। आप एक बार इंस्टाग्राम पर जाकर चेक कर देना, क्लैरिटी भी सही है और फोटो आपको अभी भी पता नहीं चलेगा। आज मैंने बोला है जिस वजह से आपको पता चल रहा है। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक वीडियो।